ओल्ड सिटी और पूरा हैदराबाद कमिश्नरेट की लिमिट्स में राहुल गांधी जी का पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा है, तो इसकी ये यात्रा की वजह से ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस और हमारे तरफ से ट्रैफिक सजेशंस भी पब्लिक को दे रहे हैं। तो ये यात्रा पुराना पुल से शुरू होके पुराना पुल से ये मूसा बौली और लाड बाज़ार और चारनार आने के बाद राहुल गांधी जी ने वहाँ फ्लैग हॉस्टिंग करने के बाद वहाँ से पदयात्रा वाया मदीना नया पुल अफजलगंज से सिद्धि अंबर बाज़ार मॉस्क, वहाँ से एमजे मार्केट मजमजाही मार्केट और लेफ्ट लेके वहाँ से गांधी भवन और नामपली रेलवे स्टेशन पुलिस कंट्रोल रूम जंक्शन और वहाँ से रविंद्र भारती की तरफ जाएगा और रविंद्र भारती से टुवर्ड्स कामत होटल आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इकबाल मीनार से राइट लेके तेलुगुतली फ्लाईओवर से लेफ्ट लेके एनटीआर घाट और आईमैक्स रोटरी में वो कंक्लूजन कल शाम 8 बजे को वहाँ कंक्लूड होने के बाद वहाँ पब्लिक मीटिंग लगाने के बाद वो क्लोज कर दे। तो पूरा ये इसका ये दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक हमारा पूरा ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस हैदराबाद में रहेगा और इसकी वजह से बहुत हमारा नोटिफिकेशन अब ठीक तरह से देख लीजिएगा और पूरा ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा रहते हैं स्पेशली साउथ जोन में चारनार और इसके बगल जो प्लेसेस है आसपास में, मतलब मदीना पुराना पुल और ये हिम्मतपुरा जंक्शन नागुल चिंता और इवन मलकपेट इस तरफ भी इसका ये रूट से 3 किलोमीटर रेडियस में ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम तो रहेगा। तो इसीलिए पब्लिक को हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर अवॉइड कर सके तो इस रूट और इसके 3 किलोमीटर रेडियस में अवॉइड कर लीजिए क्योंकि पब्लिक का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, पब्लिक मतलब बाई वॉक पदयात्रा रहेगा तो इसकी वजह से पूरा ट्रैफिक का प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो इसलिए सबको थोड़ा ये हमारा जो रूट पब्लिक हम नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफिकेशन ट्रैफिक एडवाइजरी के द्वारा हम रिलीज़ करें ना, वो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप देखिए और कल 3 बजे से 8 बजे तक आप इस एरियाज़ को अवॉइड कर लीजिए। सर्विसेज के लिए हम अल्टरनेट रूट तो ज़रूर देंगे और एम्बुलेंसेस जो लोग इमरजेंसी सर्विसेज उस्मानिया हॉस्पिटल या केयर हॉस्पिटल नामपल्ली को पहुंच रहे तो उन लोग हमारा कंट्रोल रूम को कांटेक्ट कर सकते और हम अल्टरनेट रूट भी देंगे और उसका फैसिलिटेट भी करेंगे।